ही चलती हैं, तो निश्चित तौर पर हमको जो हमारा ग्रामीण अंचल है उसको मजबूत करने की जरूरत है, और गांव तक ये स्प्रेड ना हो इसको लेकर हम काफी चिंतित हैं और लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, और जितने भी जहां पर भी जितने हमारे बस स्टैंड हैं या जितने हमारे एयरपोर्ट हैं या जो राज्य की जितनी सीमावर्ती प्रवेश के द्वार हैं, चूंकि हमारा राज्य जो है वो बंगाल से पूरा सटा हुआ है, बहरा घोड़ा से लेके साहबगंज तक हमको बंगाल से पूरी जो है हमारी और बंगाल की सीमा ऐसी है कि 4 कदम हम चलेंगे तो बंगाल में चले आएंगे और 4 कदम से वापस लौटेंगे तो झारखंड आ जाएंगे। जी तो चूंकि जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुए हैं, इससे बहुत वहां पर जो पॉजिटिव रेट है वो बहुत ज्यादा है, और वो बंगाल के बहुत सारे लोग झारखंड में आके काम करते हैं, झारखंड के बहुत लोग बंगाल जाते जी हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम जो 8 चक्र में चुनाव हुए हैं उसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम झारखंड को विशेष करके झेलना पड़ रहा है, और झारखंड कहीं ना कहीं बंगाल के कारण जो है झारखंड में भी एक विशाल जो है पॉजिटिव संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर भी बढ़ी है, और हम लोग इसको लेके काफी चिंतित हैं। लेकिन थोड़ा सा जरूर ये कहेंगे कि केंद्र जो है हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, अभी पूरे दुनिया के देश जो है केंद्र को मदद कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों को देने के लिए सामग्री देने के लिए बड़ी कोताही की जा रही है, और आज स्थितियां ये है कि हमारा जो वेस्टेज रेट है वो देश में सबसे कम है, वैक्सीन का वेस्टेज रेट सबसे कम है, यूपी जी का सबसे ज्यादा है, इसके बावजूद भी हमको वैक्सीन नहीं दी जा रही है। और मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहूंगा कि 35,000 करोड़ जो है बजट में एलोकेट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19 कोविड-19 के लिए उन्होंने रखा था, जबकि हमारे देश में 1 करोड़ 16 लाख के आसपास लोगों को वैक्सीनेशन का लाभ करना है, तो यदि 300 रुपया के हिसाब से भी हम जोड़ेंगे तो 35 से लेके 40 हजार करोड़ रुपया में सारा वैक्सीनेशन हो जाएंगे। ठीक है लेकिन हर राज्य के ऊपर जो है ये अतिरिक्त दबाव डाला जा रहा है और राज्य सरकार को ये कहा जा रहा है कि आप अपने संसाधन जुटाइए, अपने से कीजिए। अब 1 तारीख से हमको वैक्सीनेशन करने का आदेश किया गया था, हमसे ये कहा गया था कि आप 15 दिन का एक्स्ट्रा जो है प्लान भेजिए, और हमने प्लान भी भेजा, और अभी हम क्रय करने के लिए 50 लाख वैक्सीन क्रय करने का ऑर्डर भी किया है, लेकिन हमको अभी तक वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, और हमने पैसा भी दिया है, तो पैसा देने के बावजूद भी यदि हमको वैक्सीन नहीं मिलेगी और वैक्सीन जो है विदेश 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेश चली जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं इस देश के लिए एक व्यथा भी है, और इस देश की आयात निर्यात नीति पर फिर से केंद्र सरकार को विचार जरूर करना चाहिए। ठीक है, भेदभाव का आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन संकट का ये समय है बन्ना जी, और हो सकता है कि आपको तकलीफ होती हो, नहीं मिली हो, सब कुछ हो, ये होता है, लेकिन महाराष्ट्र भी लगातार यही कहता रहा है। महाराष्ट्र का भी लगातार इस तरह का आरोप लगता रहता है कि हम वैक्सीनेशन कैसे शुरू करें, क्या नहीं करें, लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। आज है कि गांवों को कैसे बचाया जाए। सिंहदेव जी, दूसरी लहर का आपने खाका तैयार किया था, आपने कहा था कि हम सुधर रहे हैं और हम अच्छे रिजल्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो थर्ड वेव है वो बहुत खतरनाक है, और उसमें गांवों के साथ साथ बच्चे भी चपेट में आने की चेतावनी दी जा रही है, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं सर आप? जब पहला दौर आया था उसी समय अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस बात की चर्चा कर ली थी, और हम सब दूसरे दौर और तीसरे दौर का मान के चल रहे थे कि आएगा, एक तरह से इंतजार कह सकते हैं कि इंतजार था। हम उतनी तैयारी नहीं कर पाए थे या अनुमान नहीं लगा पाए थे कि दूसरा दौर इतना बड़ा आएगा, 4 गुना से ज़्यादा केसेस आ जाएंगे और मृत्यु भी कई गुना ज़्यादा हो जाएगी, ये हम लोग अनुमान नहीं लगा पाए थे। तो कम से कम दूसरे दौर ने हमको ये बता दिया है कि पहले और दूसरे दौर में और जो हम तैयारी कर सकते थे अगर हम नहीं कर पाए, तो अब हमको चूकना नहीं चाहिए। दूसरे और तीसरे दौर के बीच में समय लगता है, 2-4-6 महीने कम से कम लग जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में। फिर भी प्रयास ये रहेगा कि जो सबसे ज़्यादा कमी आई थी दो चीज़ों की, एक जी आईसीयू के बिस्तरों की और दूसरे ऑक्सीजन के प्रबंधन की, ऑक्सीजन की हमारे यहाँ कमी नहीं थी, प्रबंधन करना पड़ा था, तो ये दोनों चीज़ों पे हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आईसीयू बिस्तरें हम बढ़ा लें, जिसमें प्रयास हमारे चल रहे हैं, निजी संस्थाएं भी हैं, दानदाता संस्थाएं भी हैं, टाटा सन से भी बात हो रही है, रोटरी क्लब वालों से भी बात हो रही है, अन्य कई साथी हैं जो सामने आके मदद करना चाह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय डायस्पोरा जो भारतीय नागरिकों का है उनने भी
हाथ बढ़ाया है, उनसे भी हम लोग चर्चा में हैं, किसी से तकनीक की सहयोग ले रहे हैं, किसी से वस्तुओं का सहयोग ले रहे हैं। तो ये सब के बीच में हमको कम से कम 1,000 बिस्तर ICU के और तैयार कर लेने चाहिए तीसरा दौर आने के। अभी बिस्तर खाली दिखेंगे।